ऊपर से जो व्यू मिलता है कुछ इस तरह का है, भागीरथी नदी और अलकनंदा का संगम, और इसका नाम है देवप्रयाग। ये है वो घाट जहाँ पर अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी का मिलन होता है, इसके बाद बहती है गंगा नदी। मॉर्निंग फ्रेंड्स, तो आज है 11 नवंबर और हम लोग जिस होटल में रहे ठहरे हैं वो है विजयराज, और वहाँ से जो व्यू मिलती है कुछ इस तरह का, ये देखिए कितना खूबसूरत है। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग यहाँ से जाएंगे ऋषिकेश और वहाँ पर संध्या का जो आरती है उतनी वो देखेंगे। तो फ्रेंड्स, ये था विजयराज होटल और हम लोग यहाँ से अभी निकल रहे हैं। हम लोग जो गाड़ी है वो रेडी हो चुकी है, आज हम लोग ऋषिकेश के लिए निकल रहे हैं। खेत थे माधु सिंह भंडारी, यहाँ का जो वीर था, वीर है मतलब ना इधर का गढ़वाल का, जो अंग्रेजों से भी लड़ा, नेपाल गोरखा युद्ध भी हुआ था ना, गोरखा भी युद्ध भी हुआ था, उनसे भी लड़ा, फिर गोरखालों से हार गए थे राजा, तो आजा और अंग्रेजों को बुलाया थे वो, तो इधर उसका माधु सिंह भंडारी जो यहाँ का मतलब राजा का वो था, बहुत भाड़ बोलते थे, भाड़ बोलते थे जो फाइटर होते थे, हाँ सेनापति से नीचे होते थे वो, बस लड़ने मरने वाले होते थे वो, भाड़ बोलते थे। तो वो ना वो बड़ी गाड़ियों को नहीं जान दे रहा हूँ, यहाँ से सिर्फ छोटी गाड़ियाँ, रोड काम चल रहा। तो ना उसकी शादी हुई, तो शादी हुई तो उदीना करके लड़की थी उससे शादी हुई, तो वो यहाँ आई, गांव यहाँ था उसका, तो यहाँ आई तो देखा तो खेत बंजर पड़े हुए, नीचे नदी बह रही है, ऊपर खेत बंजर। तो फिर उसने अपने पति को बोला, कह रहे आप किस बात के वीर हो, नीचे इतनी बड़ी नदी बह रही है, खेतों में आपके पानी नहीं है, या पानी नहीं था उस टाइम, मोटर वगैरह का तो कुछ सिस्टम नहीं था क्योंकि, तो फिर उसको उसको बोला तो उसको ये बात चुप गई। फिर यहाँ पहाड़ के पीछे एक नदी बह रही थी, इस पहाड़ के पीछे ना नदी बह रही है, तो वो वहां से ना छेंडा बना के, छेंडा बोले तो सुरंग टर्नल बना के पानी इस तरफ लाया। तो उस टाइम काली माता के वो था कि पानी टर्नल भी बना लिया ऐसे डाउन वाला, ये सब पानी उस टर्नल का आ रहा है, ये जो पानी है ना टर्नल का आ रहा है, तो वो भी बना दिया, सब बना दिया, फिर भी पानी नहीं चल रहा। फिर किस उस टाइम ऐसे मानते थे कि बलि देनी पड़ेगी इंसान की, तो किसकी बलि दें, तो उसका लड़का ये हमारे इतिहास में आज उसका लड़का तैयार हुआ, वो फिर अपने लड़के की बलि दी, आगे आगे खून गया, पीछे पीछे कहानी आया। ये हमारा मतलब सबसे गौरवशाली इतिहास है, ये पानी आज भी देख लो, यहाँ के लोग आज भी उसको भूलते नहीं है, माधु सिंह कैसे बोलेंगे, ये पानी सब उसका लाया हुआ है। इधर ऊपर जाएंगे आप टर्नल है, क्या नाम था उनका, माधु सिंह भंडारी, ये हमारा मतलब उत्तराखंड के सबसे वीर पुरुषों में से एक था, वो राजपूत था, हम ब्राह्मण थे लेकिन हम भी मतलब मानते हैं उसको, ऐसा नहीं है। पर रेलवे प्लेटफॉर्म बन रही है और ये जो ट्रेन टर्नल है यहाँ से ट्रेन आएगी। लोग यहाँ पे एक होटल पे रुके उसी चाय और रोटी खाने के लिए। ये आ चुकी है हम लोगों की खाना, रोटी दाल और साग, और साथ में है चटनी, अचार अचार। ब्रेकफास्ट होगी और खाना बहुत ही स्वादिष्ट है, अभी हम लोग चाय पी रहे हैं, यहाँ पे चाय पी रहे हो और यहाँ से अभी निकलूँगा ऋषिकेश जाने के लिए, रास्ता बहुत ही लंबा है।
सो फ्रेंड्स हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं और यहाँ से डायरेक्ट रुकेंगे हम लोग देवप्रयाग में। देवप्रयाग में कौन सी नदी मिलती है? भागीरथी और अलकनंदा। तो वहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा रिवर का संगम होता है, वहीं से गंगा बनती है, वहीं से गंगा नदी बनता है। पहुंच चुके हैं देवप्रयाग में और सीधा जो रिवर आ रहे है वो है अलकनंदा और ये साइड से जो आ रही है वो है भागीरथी नदी। तो अभी हम लोग देवप्रयाग में हैं और शायद हम लोग अब नीचे जाएंगे ना आएंगे। हम लोग जा रहे हैं देवप्रयाग के वहाँ पर जो जहाँ पे संगम हो रहे और ये है भागीरथी नदी। वो ब्रिज जो दिखाई दे रही है ये है भागीरथी नदी और हम लोग वहाँ पे जाने वाले हैं। ये वो ब्रिज इसे हमें पार करना होगा। हम अभी ब्रिज पार करके ये साइड में चले हैं और अभी जहाँ पे जो संगम होती है वहाँ पर हम लोग जा रहे हैं। ये है संगम घाट का जो गेट है वो यही है। तो हम लोग आ चुके हैं उस जगह पे जहाँ पर संगम होते हैं, ये देखिए वो जगह, और थोड़ी सी आगे जाना पड़ेगा, वहाँ पर है वो संगम घाट। ये वो संगम जहाँ पर भागीरथी और ये है भागीरथी और ये है अलकनंदा नदी जिसकी दोनों के मिलन आ रही है और आगे जो नदी बह रही है वो हो रही है गंगा नदी। मेरे पीछे जो है ये है भागीरथी और ये है अलकनंदा नदी और सामने से जो नदी जा रही है ये है गंगा नदी। हाँ करबो करबो। यहाँ पे भागीरथी नदी की स्रोत थोड़ी सी ज़्यादा है और यहाँ पर अगर आप अलकनंदा नदी की दिखाई दे तो वो थोड़ी सी शांत है और आगे जो जाके दोनों का जो स्रोत है एक ही तरह से बहती है। पहले अमिता और बुकुदा डुबकी लगाने के लिए गया है, उसके बाद मैं जाऊंगा। दोनों ही नहा रहे हैं अभी। ये है वो घाट जहाँ पर अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी का मिलन होता है, इसके बाद बहती है गंगा नदी। सो फ्रेंड्स अभी हम लोग जो देवप्रयाग है वहाँ पर नहाया और वहाँ पर जो डुबकी लगाई मन को शांति मिली और ये है भागीरथी नदी और ये है
अलकनंदा भगीरथी, जिनका संगम यहाँ पे हो रहा है। और इस जगह का नाम है देवप्रयाग। ये श्री भागीरथी महादेव। तो बहुत दिनों बाद मिले हो, ठीक है ना? कुछ लेके नहीं आए लक्ष्य आपके लिए? यहाँ पे बहुत सारी मछली है जिसे हम लोग खाना खिला रहे हैं। सो फ्रेंड्स, हम लोग को यहाँ का जो देवप्रयाग का दर्शन है वो हो गया। वहाँ पर डुबकी भी लगा लिया। अभी हम लोग यहाँ से नीचे जा रहे हैं, मतलब यहाँ से ऊपर जा रहे हैं। और ये है वो ब्रिज जहाँ से हम लोग आए हैं। फिर से हमें वहीं पे जाना है क्योंकि हम लोग का जो गाड़ी है वो है ऊपर में। तो फ्रेंड्स बाय बाय, तो चलता हूँ यहाँ से। और क्योंकि हमें आगे जाना है, हम लोग जाएंगे अभी ऋषिकेश। ये भागीरथी जाने के जो रोड है ये है। कुछ आसपास में मार्केट है, दुकानें जो कुछ कपड़े के सामान मिलते हैं। और यहाँ पे दिवाली का पटाखा है। ये है वो ब्रिज, नीचे से बह रही है भागीरथी नदी जिसकी आवाज़ बहुत ही तेज़ है। फ्रेंड्स अभी हम ब्रिज की इस बार पहुँच चुके हैं। और अमिता, हाय अमिता, हाय, कैसा लगा नहा के? बहुत बढ़िया लगा, वाला उपलब्धि है। देवप्रयाग है, नाम नहीं सुना था, तो आज नहाने का अवसर मिला तो हम लोग कर लिया। बस अच्छा लग रहा है, मन का अच्छा लग रहा है, शांति मिल रहा है। एक्चुअली हम लोग को इस रोड से ऊपर से चले जाने का विचार था, लेकिन हम लोग को जब देखा यहाँ पर तो नहाने का मन किया। तो रोक नहीं पाए, बोले चलो नहा लेते हैं, हर टाइम तो नहीं होगा,
तो आज अवसर मिला तो कर लिया। हम लोग जा रहे हैं अभी ऋषिकेश और इस मतलब यहाँ पे किलोमीटर भी देव प्रयाग और यहाँ पर देव प्रयाग में नहाने का भी मौका मिल गया है। अभी यहाँ से चाय पी रहे हैं विद बिस्कुट। ऊपर चले आए और ये देखिए ऊपर से जो व्यू मिलता है वो कुछ इस तरह का है, भागीरथी नदी और अलकनंदा का संगम और इसका नाम है देवप्रयाग। सो फ्रेंड्स देवप्रयाग में हम लोग डुबकी लगाए और अभी हम लोग यहाँ से जा रहे हैं ऋषिकेश के लिए। सो फ्रेंड्स देवप्रयाग का ये वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। देवप्रयाग का जो संगम है वो देखने के लिए देखिए कितना भीड़ लगा हुआ है। चलिए चलते हैं अभी ऋषिकेश के लिए। और यहाँ पर है एक खूबसूरत भोलेनाथ का मूर्ति। जय हो जय शंकरा।